दोस्तों नमस्कार, ये है साइकस पाम ट्री। एक कुछ हमने अपने छतों पे लगा रखे हैं इस तरह से, और इनमें जो है बहुत मेहनत लगती है एक पेड़ पे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसके जो अभी इंडिया में जो कॉस्ट है इसकी है 600 से लेकर 800 1200 इस तरह से कॉस्ट है। लेकिन अगर आपके घर में एक साइकस पाम ट्री है तो आप उसका बल्ब कैसे पहचानेंगे और उसको दोबारा रीग्रो कैसे करेंगे, मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में। देखिए ये है, ये जो है ये हमारे साइकस पाम ट्री का ये बल्ब रुका हुआ है। देखिए ये इसको लगा है एक साल। अब मैं जो इसको अभी तो नहीं निकाल रहा हूँ, इसको मैं निकाल के एक दूसरे पॉट में इसको ग्रो करूँगा ताकि मेरे दोबारा इस तरह से ये पेड़ तैयार। इस तरह से मैंने बाकी भी पेड़ तैयार किए थे इस तरह से। अभी एक देखिए मैंने लगा रखा है एक छोटा सा, ये अभी फिलहाल ही मैंने एक बल्ब हुआ था, मैंने इसको यहाँ पे लगाया छोटे पॉट में, बाद में इसको बड़े गमले में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपके घर में भी पाम ट्री है तो आप इसको भी इस तरह से इन बल्बों को फेंके ना, और बल्ब जो होते हैं आपके वो जो इसी साइड में ही निकलते हैं पेड़ के साइड में। और एक बल्ब की अभी कॉस्ट है जो इंडिया में जो है 300 to 400 है, ये आपको मिलेगा। अमेजोन में ट्राई कर लीजिए, फ्लिपकार्ट में ट्राई लीजिए, कहीं भी। तो इस तरह से इनके जड़ों में बल्ब निकलेंगे, उनको फेंके ना, उनको कहने की मेरे कहने का मतलब उनको निकाल के फेंके, उनको निकाल के साइड में किसी पॉट में रख के और उसको रीग्रो कर लें। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।